जी हाँ ये है S23 ट्वेंटी अल्ट्रा एंड आई डोंट थिंक सो कि ये फोन को आप नहीं जानते होंगे तो बेसिकली ये फोन को लॉन्च होकर ऑलमोस्ट तीन महीना हो चुका है मेरे को अनबॉक्स करके इसको तीन महीना हो चुका है ऑलमोस्ट डेढ़ महीने से इसको वापस से मैं एज अ प्राइमरी फोन बना के यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं गांव गया था तो गांव भी लेके गया था इसको एज अ प्राइमरी फोन बना के मैं आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ कि भाई अगर आप रियल लाइफ में फोन को एज अ प्राइमरी फोन बना के यूज करते हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस होता है वो बताने वाला हूँ स्टूडियो में जही एंड दिस इज द फुल रिव्यू आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ This Samsung Galaxy S23 Ultra. So let's begin.

बहुत ही ज्यादा रिलायबल बहुत जबरदस्त है एक बार फोन मेरे हाथ से गिर भी चुका है कुछ भी नहीं हुआ भाई लेकिन स्क्रैचेस आने का इस पर डर रहता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर एक जो स्क्रीन गार्ड आता है ना स्क्रैच गार्ड वो लगा के रखो ताकि आपके फोन पे स्क्रैचेस ना आए क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास सेम फोन है उसी के फोन पे हल्का सा स्क्रैच आ गया स्क्रैचेस आने का खतरा रहता है लेकिन शेटर रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है और सिक्सटी की रेटिंग के साथ आता है मैंने इसको लेके पानी के अंदर भी कूदा है स्विमिंग पूल के अंदर मैंने उसको लेके गया हूँ अंदर स्विमिंग पूल के अंदर एक बार गिर चुका है

सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट इतना लाउड है क्योंकि प्रो मैक्स में ज्यादा लाउड साउंड आता है प्रो में जो मेरा वाला छोटा वाला है प्रो उसके अंदर उतना लाउड साउंड नहीं है लेकिन इसका जो लाउडनेस है जो क्लैरिटी है जो बेस है मज़ा आ जाता है अगर आप मूवी वगैरह देखते हो जिसमें डॉल्बी वगैरह का सपोर्ट है ना क्या ही नेक्स्ट लेवल साउंड आता है मजा आ जाता है तो मेरे को बहुत तगड़ा लगा इसका साउंड क्वालिटी प्लस इसका जो डिस्प्ले है भाई चुम्बेश्वरी है तगड़ा ब्राइटनेस है कहीं पर भी लेके चलो मतलब यूजली कोई फोन है ना आप धूप में लेके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा कम है ब्राइटनेस इसको लेके जाओगे ना तो आपको लगेगा धूप में भी इसको फील करोगे कि भाई क्या तगड़ी ब्राइटनेस है बहुत देर तक यूज करने पर भी धूप में ना मेंस

अगर फोटोज खींचने की जहां बात आती है ना तो सब यही फोन प्रेफर करता है भाई ऐसी तगड़ी फोटोज देता है मतलब पोर्ट्रेट तो लाजवाब थ्री एक्स पोर्ट्रेट जो है ना इसका वो एकदम किलर ही है मतलब अगर आप साइड बाय साइड डीएसएलआर के रखोगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये फोन से लिया हुआ है डीएसएलआर से लिया हुआ इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और जो डायनेमिक रेंज है जो चेहरे का स्किन वगैरह का, का कलर जो उठ के आता है ना इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से जो इन लोगों ने इतना तगड़ा ऑप्टिमाइज किया ना तो फेस वगैरह बहुत खूबसूरत दिखता है मेरे को ओवरऑल जो इसका कैमरा है भाई वो लाजवाब लगा मतलब इससे अच्छा कैमरा वाला फोन मैंने आज तक यूज नहीं करा है और पहले जब मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था तो मैंने ये चीज़ बोला था कि लो लाइट में जब आप वीडियो बनाते हो ना तो हल्की फुल्की नॉइज आपको देखने को मिलती है और जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके साथ में ये चीज़ भी फिक्स कर दी गई है अब वो नॉइज़ भी देखने को नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज भी बना लेता है ये आपके टाइम पर बट स्टिल थोड़ा सा आईफोन ज़्यादा बेटर है वीडियो बनाने में ओके सो अपडेट के बाद देखो ये आई और एस ट्वेंटी का लो लाइटिंग वीडियो टेस्ट देख रहे हो ये रियर कैमरे से ही है कुछ इस तरह की वीडियो लो लाइटिंग में बना लेते हैं ये दोनों फ़ोन

मैं आईको का नाइन ए यूज कर रहा था जिसके अंदर वन ट्वेंटी वोट की चार्जिंग लेकिन इस पे आने के बाद ना सबसे ज्यादा मैं वो वन ट्वेंटी वोट चार्जिंग को ही मिस किया भाई इतना जबरदस्त इतना कन्वीनियंट चीज़ रहा था ना वो वन ट्वेंटी वोट बस लगाओ पाँच मिनट में फुल लगाओ आई मीन I mean, फुल नहीं लेकिन पांच मिनट के अंदर इतना बैटरी मिल जाता है कि आप घर से बाहर जा सकते हो तो वो चीज मैं यहां पर मिस करता था क्योंकि इसको वो जो पाँच मिनट है ना इसको पंद्रह मिनट लगता था उतना उतने चार्जिंग कंप्लीट करने के लिए अब देखो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है अगर उतना फास्ट चार्ज होगा तो बैटरी जल्दी डिग्रेड होगी ये फोन लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसके लिए उतना ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी देना पड़ती है फोर्टी के चार्जर से मैं चार्ज करता हूं। इसकी बैटरी भी मतलब इसकी चार्जिंग भी फास्ट है ऐसा नहीं है स्लो है थर्टी मिनट्स में फिफ्टी परसेंट चार्ज हो जाता है इसका जो तो फिर उसके ऊपर तो लेकिन अगर आप लोग ऐसे इंसान हो ओवर चार्ज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई बहुत सॉप चार्जिंग चलती है इशू वायरलेस चार्जिंग रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सारी चीजें काम करती है मजेदार अच्छा नेटवर्क तो अभी तक मेरे को नेटवर्क का आया नहीं था लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना जी का थिंक प्रॉब्लम चल रहा था तो दो तीन बार मेरा ऐसा हुआ फाइव का सिग्नल चलेगा फोर सिग्नल चलेगा सीधा नो सर्विस लिख के आ रहा है तो मेरे को फोन री करना पड़ा तब जाके नेटवर्क आया है बाकी आ, ऐसा मेरे को नेटवर्क में कोई इशू नहीं है भाई कॉल क्वालिटी जबरदस्त है नेटवर्क रिसेप्शन तगड़ा है 5G तो मैंने इतना मजेदार तरीके से इन्जॉय किया फाइव जी तो मैंने लिटरली इसमें किया क्योंकि मान लो मेरे को जियो का वेलकम ऑफर मिल गया है अनलिमिटेड फाइव वाला अब मैं मजेदार तरीके से वही चलाता हूँ एकदम फुल मैं वाईफाई भी बंद कर देता हूं कभी कभी मेरा वाई फाई दे का है अच्छी स्पीड मिलती है लेकिन जब कभी कभी इसमें चलाता हूँ भाई चार पांच सौ की स्पीड मिलती है तो मजा ही आ जाता है भाई मतलब फाइव जी इस्तेमाल करो मजे करो क्योंकि अनलिमिटेड फाइव एक

है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ये चीज समझ लेना बाकी फेस अनलॉक भी है तो उसका टेंशन नहीं है बस ये है कि थोड़ा सा उजाला रहना चाहिए फेस पे तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाता है सो ओवरऑल मेरा स्टैंड आज भी यही है कि ये इंडिया का या फिर इवन पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है इवन मैं ये बोलूँगा कि सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है भाई क्योंकि इससे अच्छा मेरे को कुछ नहीं लगता लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ जिसको छोटे फ़ोन पसंद है जिसके छोटे हाथ है ये फ़ोन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज़ ये फ़ोन बड़ा है अभी देखो आप लोग पूरी मेरी हथेली चली जाती है भाई काफ़ी बड़ा फ़ोन है एंड मैं बड़ा इंसान हूँ ठीक है मतलब आई एम 6 फुट टॉल 110 केजी समझ लो काफी बड़ा फोन है मतलब इसका अगर मैं आपको एक साइज रेफरेंस दूं ये देखो ये आईफोन 14 है 14 प्रो है बेसिकली उसके कंपैरिजन में देखो कितना छोटा है ये so, सो भाई डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बड़ा है देखो समझ रहे हो बेस्ट एंड्राइड फोन है फॉर श्योर sure. बिंदास ले लो यार कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अभी भी मैं स्टिल तो खुले दिल से रिकमेंड करता हूँ इवन जितने लोग मेरे को पूछते भाई कौन सा फोन लेना चाहिए आज की डेट में अगर मेरे पास बजट कंसर्न नहीं है आँख बंद करो परचेज करो बिंदास मजेदार चीज़ है मज़ा आता भाई बाकी आई होप आपको ये मेरा खड़े होकर रिव्यू करने का स्टाइल पसंद आया होगा एंड अपना नया सेटअप पसंद आया होगा अगर कुछ आप लोग चाहते हो थोड़ा और इम्प्रूव हुए कंटेंट के एक्सपीरियंस में तो मेरे को डेफिनेटली बताना तो हम धीरे 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 चीज़ों में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे बाकी इतना ही था वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते एंड थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में एंड याद से सब्सक्राइब कर देना भाई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार मजा कैसे आएगा यार वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करो मजा आएगा फिर बाकी इतना ही था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गई बाय